लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस मैदान में डटी हुई है। वहीं सिरसा सीट से उम्मीदवार कुमारी शैलजा लगातार मैदान में डटी हुई हैं। जनता के बीच पहुंचकर शैलजा जनता का साथ मांग रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने सिरसा सीट को जीतने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। आज फतेहाबाद के गांव जांडली में पहुंची कुमारी शैलजा ने ग्रामीणों से वोटों की अपील की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा और मोदी ने कुछ लोगों का ही भला किया है। कांग्रेस में लोगों की आस्था है, कांग्रेस की विचारधारा में आस्था है और सबको मालूम है कि कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस लोगों की सच्ची हिमायती है, इसलिए लोग हमारे इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बड़ा होता जा रहा है और मुझे विश्वास है कि लोग हमारा साथ दें, इसी तरह से देंगे और बढ़ते रहेंगे और आगे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत हो हमारी सरकार में। बात यह है कि हमारे पास बहुत स्कीम है और हमारी सारी स्कीम गरीब और जरूरतमंद, चाहे वो लघु उद्योग वाला हो, चाहे दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, दलित, पिछड़ा, हमने सबके लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। हम हर तरह से पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने केवल चंद साथियों का भला किया होगा, देश का भला नहीं किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि जनता के सहयोग से निश्चित रूप से उनकी जीत होगी और इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जाडली में पहुंची कुमारी शैलजा ने ग्रामीणों से वोट की अपील की और उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा कुमारी शैलजा का स्वागत भी किया गया। कुमारी शैलजा ने कहा कि देश की जनता की कांग्रेस में आस्था है, कांग्रेस की विचारधारा में आस्था है, कांग्रेस जनहितैषी है, इसलिए तो आज कांग्रेस का कारवा लगातार बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हम निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।